Brought to you by ITEL. Power that helps you to make it bigger and better in life. The new ITEL P series smartphone has it all. एक और खिलाड़ी की वापसी हुई है. वापसी मैं इसलिए कहूंगा सनी भाई क्योंकि उनको तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया था. युजवेंद्र चहल, और मैं आपको कई दिनों से सुन भी रहा था, कमेंट्री में भी आप उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे. पिछला ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप मुझे याद है, दुनिया राइट आर्म लेग स्पिनर से विकटें ले रही थी और यूजी चहल बाहर बैठे हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने दरवाजा खुद अपनी परफॉर्मेंस से ही तोड़ा है. देखिए, उन्होंने काफी विकटें ले लिए आईपीएल में और अच्छा फॉर्म भी दर्शाया है. तो हर एक जो खिलाड़ी यहाँ पे, उनके पास अनुभव है और आईपीएल में जिन्होंने अच्छा फॉर्म दर्शाया उनको उनको टीम में चुना गया है. तो यही होता है कि जो जो बंदे के बारे में आप जानते हैं कि उनके पास काबिलियत है, फिर आप उनका जो करंट फॉर्म है, मौजूदा फॉर्म है, उस पर आप नजर डालते हैं और मौजूदा फॉर्म अगर अच्छा हो तो फिर उनको टीम में वापसी होती है. तो वैसा ही हुआ है युजवेंद्र चहल का भी. अच्छा, टीम की सोच भी तो दिखती है ना सनी भाई, अगर आपने सिर्फ 3 तेज गेंदबाज और 4 स्पिनर 15 में रखे हैं तो जाहिर तौर पर आपकी स्लोइश वेस्ट इंडीज की जो पिचेस हैं वहां पर शायद रणनीति होगी. बुमराह, एक और फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या और 3 स्पिनर्स हो सकता है कि आपको जडेजा, कुलदीप और चहल एक साथ दिखे. तो क्या ये कुलचा की मैच विनिंग जोड़ी की वापसी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों अगर 4-4 ओवर डालते हैं, भले रन खाएं पर विकटें लेके आपको दे सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है जरूर, क्योंकि टीम जो टीम है, जैसी आयरलैंड जैसी टीम है या यूएसए जैसी टीम है जिनको अच्छे स्पिन खेलने की आदत नहीं है, तो उनके खिलाफ दोनों विकेट भी ले सकते हैं, रन भी कम दे सकते हैं. तो मुझे लगता है कि हाँ, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब. जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप.